हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फैन हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो जय श्री राधे गाइस। अभी मैं मथुरा में ही हूँ और आज फाइनली मैं जा रही हूँ वापस फरीदाबाद। बस मेरी पैकिंग वैकिंग चल रही है गाइस यहाँ से जाने का। देखिए, अपने मायके से जाने का ना मन नहीं करता है किसी भी लड़की का, और मेरा भी नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, मई में आएंगे, हमारे पापा रिटायर होंगे तब खूब मजे मस्ती मारेंगे यहाँ पे आके। मई में एक महीने के लिए आऊँगी मैं, तब खूब इन्जॉय करेंगे और आपको भी खूब ब्रज यात्रा दिखाएंगे, इन्जॉय दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे अपने घर का, परिवार का, क्या क्या प्रोग्राम होगा जो भी है। तो बस आज फाइनली जा रही हूँ मैं फरीदाबाद, और 3-4 दिन के बाद। चलिए, अब ब्लॉग में बने रहिए आप लोग एंड तक। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस करिए अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो। जय श्री राधे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। गाइस ये देखिए, ये वाला म्यूजिक सिस्टम लिया है और हमारे मज़े मस्ती करने के लिए ये वाला 40,000 में ये वाला म्यूजिक सिस्टम मंगाया है भाई ने। बहुत दिन से हम लोग कह रहे थे कि भैया एक म्यूजिक सिस्टम ला दे हमारे लिए डांस वांस करने के लिए, तो मम्मी पापा ने ये मंगवा लिया। बहुत ही बढ़िया है और इसमें ना ऊपर से कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए है ऊपर से, और इसका रिमोट भी है, काफ़ी अच्छा है। अब ये मंगाया कहाँ से हो उसने पता नहीं, ब्लूटूथ कनेक्ट सब कुछ ये हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मस्त चलता है, एकदम बढ़िया। तो इस पर हम लोग खूब डांस करते हैं, मज़े करते हैं। सब्जी होती है ना घर में तो कुछ भी बना लो, हाँ ऐसा नहीं है कोई फिक्स नहीं हो, थोड़ा होती है कि बस हमें खाली स्पेस सब्जी बनाते हैं, जब ये डाल दो मक्के की रोटी और सरसों का साग चल रहा है। आज काफी टाइम के बाद हम तीनों बहन भाई खा रहे हैं एक साथ मिलकर खाना। काफी टाइम हम तो 10-12-15 साल खा रहे हैं तीनों, खाने याद नहीं रही कब खाया, साल और 10-15 साल रानी कब का खाया पता ही नहीं, सब बिजी हो गए अपने बहन भाई की होम लाइफ में। मम्मी बना रही है गरम गरम रोटी मक्के की, और साग बनाया है सरसों का और पालक का मिक्स करके। अभी मैं जाऊंगी 5-5:30 बजे की ट्रेन है मेरी, मैं निकलूंगी अभी, भाई छोड़ के आएगा, बहन दोनों आएंगे और जाऊंगी। अयोध्या में जाना है ना, जीएस पे चल रही है अयोध्या में, देखो देखा जो हमारे लिए तुझे मरे तो बता दी, मैं तो पूछ कर जा रहा हूँ पूछ के, हम सब सबके साथ ही चलेंगे ना। अच्छा अच्छा, थोड़े क्या अकेले जा रहे हैं, हम सब साथ चलेंगे। अब अयोध्या के जाना मंत्री विधायक को तो गाइस बिल्कुल हो गई हूँ मैं रेडी फॉर एक्शन जाने के लिए, बहन भाई छोड़ने के लिए आ गए हैं मुझे। देखिए यहाँ आ गए हैं हमारे राजा भैया ये है राजा, ये है हमारा भाई छोटा, गाइस आ गया है बच्चा, इसकी शादी वादी करवाएंगे अब हम। तो गाइस गाड़ी तैयार होते हुए छोड़ने के लिए, मम्मी की माला टंग गई है,
नो बहन जी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हुई। घर सुंदर सा मई में मिलेंगे अब इनसे, इस घर से देखते हैं पहले चक्कर लग जाएगा तो। गाइस तो अभी यहाँ पे रुके हैं और भाई और बहन ना दोनों लेने गए मेरे लिए खीर मोहन। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया खीर मोहन खाए हुए। देखिए आप लोग ना, वैसे हमारे यहाँ यही मथुरा के महावन के खीर मोहन पसंद है। मम्मी महावन के ही है ना? गाइस महावन के खीर मोहन रसगुल्ले की तरह होते हैं। आप लोगों को जिनको पता होगी मथुरा के आसपास होंगे उन्हें तो खीर मोहन के बारे में पता है, बाकी जिन लोगों को पता नहीं है तो आप लोग अगर मथुरा आए तो खीर मोहन जरूर खाएं। खीर मोहन हमारे यहाँ महावन में फेमस है काफ़ी। रसगुल्ले की तरह होते हैं ऑरेंज कलर के, अगर आप लोगों ने यहाँ पे कभी यात्रा करी है तो हलवाइयों पे रखे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। राधिका स्वीट या फिर ब्रजवासी की हिस्से ही लें, काफ़ी अच्छे मिलेंगे, बहुत टेस्टी देसी का आइटम बनता है हमारे यहाँ मथुरा में, ब्रजवासी में, ब्रजवासी मिठाई बनती है। तो बस खीर मोहन आज मैंने सोचा चले खीर मोहन लेके चलते हैं, बाकी मिठाइयाँ तो फरीदाबाद में मिल जाती हैं बट खीर मोहन नहीं मिलता है, तो बस खीर मोहन लेने गए दोनों बहन भाई। और मम्मी बैठी है यहाँ पे और मैं बैठी हूँ और इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट कर रही हूँ मैं, फेसबुक पे आप वहाँ जाके फॉलो करिए मुझे। और ऊपर करना है ले, ये तो मेरा बैग है ये वाला। तो चलो गाइस चलते हैं अब वापस मम्मी से मिलने, मिल लिए हैं अब जा रहे हैं वापस। यहीं से ले ली, छत्तीसगढ़ की ले ली है। बाय बाय, नमस्ते मम्मी, राधे राधे, जय श्री राम। कुछ भी नहीं है, सब सिंपल चीज़ है। तो गाइस फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में और 7:15 का टाइम है इसका, पहुँच जाएगी बल्लभगढ़, 7:30 बजे तक पहुँच जाएगी फरीदाबाद। तो चलिए फाइनली बैठ गए हैं और काफ़ी थका थका सा महसूस हो रहा है। तो अब चलते हैं फाइनली, 3-4 दिन के ट्रिप के बाद खूब इंजॉय करने के बाद फाइनली वापस जा रहे हैं। बस मई में आएंगे बच्चों बच्चों के साथ, फिर दोबारा से इंजॉय करेंगे। याद आती है गाइस, बिल्कुल भी ना मन नहीं करता अपने घर से जाने का, भाई छोड़ कर है मोंटी अभी। चलिए चलते हैं गाइस। तो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं बल्लभगढ़ स्टेशन और बस उतर रही हूँ, हस्बैंड लेने आ रहे हैं, बच्चे लेने आ रहे हैं, पहुंच गए फाइनली। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बल्लभगढ़ फरीदाबाद स्टेशन और बस अब हस्बैंड आ रहे हैं लेने, और बैग वैग असुविधा नहीं हो रही है, आराम से मस्त ले जा रही हूँ। आ रहे हैं बस बच्चे आ रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं, सीढ़ियों पे तो देखते हैं चढ़ाना पड़ेगा, सीढ़ियों पे तो व्हील नहीं चलते ना। चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ अब फाइनली और बस बैठ गई हूँ गाड़ी में, जा रही हूँ घर। अंधेरा हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा फेस अच्छे से। बस तसल्ली हो गई बेटा, कैसे हो? अरे मम्मी। तो गाइस मैं फाइनली आ चुकी हूँ अपने घर में, अपने रूम में। तो चलिए काफी अच्छा लगा, याद आ रही है सबकी। गाइस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा अभी, थोड़ी एक आध दिन नहीं अच्छा लगेगा, बाकी कोई नहीं वहीं में जाएंगे फिर से दोबारा से। चलिए फाइनली आ चुकी हूँ और देखिए माइल हो ना, तब से ही गाइस तब से ही मेरे पीछे लग रहा है, ये देखिए ये ना इतना मेरे से अटैचमेंट करता है, तब से ही मेरे पीछे लग रहा है गाइस, बहुत ही मतलब बहुत प्यार करता है। तो बस चलिए, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं मेरी नानी के यहाँ के सभी, तो आप लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे उन वाले व्लॉग्स में, तो आप लोग जाकर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन।